हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स नमिता। तो आज है 17 फैब 2022। आज हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है एक्सपर्ट्स हसन असर का। कल ही मुझे नेम प्लेट मिली थी, कल रात को मैंने पेंट किया, बहुत सारी चीज़ें पेंट की। अभी मैं जल्दी उठ गई, 7 बज गए हैं, बट इससे नींद आ रही है, तो जाती हूँ चाय में लेने कुछ, फिर काम शुरू करती हूँ। थोड़ी जल्दी उड़ जाना था, सनसेट सनराइज देखता। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। वैसे नॉर्मल वाली चाय मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ। मैं जो हमने कैनेडा में मेडिसिनल मशरूम वाली चाय बनाई वो सुपर टेस्टी है, मैं ज़्यादातर वो पीती हूँ। बट सुबह सुबह जल्दी उठो, कौन बनाए, पापा ने पहले से ही बना के रखी थी। और ये मेरा सामान है नीचे, सोई हूँ बहुत है। ये नेम प्लेट मुझे अभी बनानी है, बाकी के स्टैंड वाली नेम प्लेट है जो कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनाने के लिए रखी है। ये कोस्टर्स है जो रेडी करने हैं मुझे, 2 दिन कलर्स में कोस्टर रेडी कर रही हूँ। और देखो ब्लोअर लगा रखा है मैंने सुखाने के लिए, बहुत टाइम लग जा रहा है इसको सूखने में। सो स्टार्ट करते हैं अभी। जो ट्रेनिंग सेशन है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे सर यहाँ पे मौजूद है और बाकी के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं जो जिनका हम वेट कर रहे हैं, अभी कुछ समय में हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। क्या उसको हम मशरूम कह देंगे? प्रोटीन तो है मशरूम को, हम जैसे मशरूम का नाम लेते हैं तो हम तो प्रोटीन याद आती है। हाँ यस, ये कोई प्रोटीन वाली, लेकिन प्रोटीन वाली चीजें तो बहुत सी है, अंडा है, मीट है, दूध है, सभी चीजों में प्रोटीन है, ठीक है ना। और सोयाबीन है, सोयाबीन में तो सबसे ज्यादा। हमारे चिंटू ये पढ़ाई कर रहे, देखो कितने सीरियसली देख रहे हैं सर को। अगर आप मीट खाओगे तो फिर पेट भारी रहता है, क्यों? क्योंकि आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मतलब सुबह से बहुत जल्दी 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 चल रहा था सब कुछ, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। पर इससे पहले आपने वीडियोस और फोटोज़ देख ली होगी। और ये हमारी यहाँ पे यूनिट, आज पीटीए का था तो यहीं पे बता दिया था सारा। अभी क्या है कि 1 बज गए, जाना तो बैंक था पर बैंक वालों ने कहा कि हमें विजिट में जाना है, तो हमें जो ख़राब बैग हो चुके हैं, ये बंद जितने बैग दिख रहे हैं यहाँ पे नहीं अभी उधर साइड को, तो वो सारे बैगों को बाहर फेंकना है। और ये महिलाएं जो हमारे घुरसू गांव की हैं उनको हमने इस चीज़ में लगा रखा है, दिखाती हूँ। और यहाँ है कमल जी, हेलो। क्या ब्लॉग देखे?
लो पहले बनना चाहिए था ट्रेनिंग का। क्या करूँ यार, इतना बिजी रहती हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें नहीं पता। तो ये हमारी कंपोस्ट है जो जिसको हम फेंक रहे हैं। इसका रीजन, अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगी, कि हम जो हमारी जो खाद जो बर्बाद चले जाती है, मतलब इसके बाद हमारे सारा फ्रूट आ गया, इसके बाद हम इस खाद का क्या करते हैं। तो ये हमारी यूनिट में जो बैग आउट ऑफ रोटेशन हो चुके हैं, यानी कि थर्ड फ्लश ले चुके हैं, उनकी यहाँ से उनको हटाया जा रहा है, जिसमें आपकी नमिता जी लगी पड़ी हैं। किसान बन रही है किसान। नमिता जी क्या कर रहे हो आप? बैग फेंक रहे हैं। अच्छा, ये जो बैग जो फेंक रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो बैग है जो आउट ऑफ रोटेशन, आप तेरे से एक तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हो, बेसिकली जिनमें फ्रूट्स आना बंद हो चुके हैं। देखिए, ये वो बैग है जिनमें अभी माइसिलियम डेड हो चुका है, बैग सूख चुके हैं, और ये वो बैग हैं जो अभी भी बने हुए हैं जिनमें अभी फ्रूट आना बाकी है। तो जो बैग ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, हम उनको बाहर फेंक देते हैं और नए बैग के लिए स्पेस बनाते हैं। और इसके बाद हमारा ऑयस्टर का काम शुरू होने वाला है, जो कि हमने ट्रायल एक दो बैग यहाँ पर रख दिए हैं, इसके बारे में डिटेल नमिता जी आपको बताते रहेंगी। तो लगी पड़ी हैं काम पे, क्योंकि सभी को बारी आती काम करने की, अभी इनकी बारी है। ये देखिए बैग कितना भारी भारी बैग हटा रही हैं। फट गया है। मशरूम मारेंगे। मशरूम चार दिन तुमने वो मशरूम तो आज का काम जो है वो खत्म हो गया है। अंदर का बाल कर दिया था सामान और सारे नीचे डंप कर दिए चीजें। तो अभी फाइव कितना बज गया? फर्जी ब्लॉग बना रही। मास्टर फर्जी ब्लॉग क्या होता है? इनकी शक्ल नहीं, हमारी थर्ड बंगले की महान हस्ती है प्रज्ञा सेठ। प्रज्ञा सेठ, थर्ड बंगले की प्रज्ञा सेठ। तो यहाँ पे बैग वैग हमने डंप कर दिए थे, आज बहुत काम था, बहुत ज्यादा थक चुके हैं और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो देखते हैं, कल का भी बहुत अच्छा सेशन है, एपिकल्चर में है, ऑनलाइन वाला है, तो उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। अभी जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाएंगे और देखते हैं, फिर घर जाके बहुत सारा काम करना है, पेंटिंग का। लेट्स गो। सो हेलो गाइस, मैं जल्दी पहुंच तो गई थी घर, लेकिन तब से मैं स्क्रॉल करने पे लगी थी, काम देख रही थी कैसे और काम किया जा सकता है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जो ट्रेनिंग के बाद काम करवाया था उसमें ज़्यादा लगी पड़ी थी उसकी वजह से, और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, लेकिन अब सोच रही हूँ कल सुबह करूँगी। तो आगे की अपडेट आपको कल मिलेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तक का नहीं बोला जा रहा है यार, हद हो गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, और ऐसी ही चीज़ें मैं आगे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग सेशंस भी हैं हमारे, और बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं रेगुलरली, तो वो भी चीज़ शेयर होती रहेगी। बाकी की मेरी पेंटिंग वाला सेक्शन जो है वो भी चीज़ आपको मैं दिखाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने एंड तक का देखिए, एंड कीप सपोर्टिंग, और आई एम नॉट सो गुड इन अपलोडिंग डेली वीडियोस, दैट्स व्हाई। So good night, bye bye. Chintu, Chintu, good job, good job, good job. Camera में good job, हैं?